फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि कैसे मैं अपने गमलों को पेंट करती हूँ। मेरे पास सीमेंट के गमले और मिट्टी के दोनों तरह के गमले हैं, पर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, इसलिए मैं दोनों गमलों को एक तरीके से ही पेंट करती हूँ। वो तरीका आज मैं आपको भी बताऊँगी कि इससे आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कैसे गमलों को पेंट कर सकते हैं। तो ये गमलों को पेंट करने से पहले ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये गमला कितना का पेंट इस पर हमने नहीं किया था, ये नया था, मिट्टी वाला कलर जो होता है वही था इस पर, और अभी बहुत गंदा और काला काला सा हो गया है। तो इसको पेंट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इसको एक कपड़े से ना इसको साफ करना होगा, क्लीन कर लीजिए इस तरीके से। अगर आपका गमला ज़्यादा गंदा है तो आप सैंड पेपर का यूज़ कर लीजिए, पर ये अभी कपड़े से क्लीन हो सकता है इसलिए मैंने इसे कपड़े से क्लीन कर लिया है, पुराने कपड़े से। अब आपको चाहिए होगा इसको पेंट करने के लिए, मैं सबसे पहले पेंट करने के लिए यूज़ करती हूँ वाइट सीमेंट। एक कोट में वाइट सीमेंट का करती हूँ, ये देखिए ये वाइट सीमेंट का 1 kg का पैक आ जाता है और 1 kg में शायद आपके 30 से 40 गमले तो पेंट ही हो जाते हैं। ये देखिए ये 35 rupees का मिल जाता है मार्केट में। और आपको चाहिए पुराना कंटेनर, ये देखिए मैंने बॉटल को काट के बनाया है, मैं इसमें ही पेंट और ये सीमेंट से पेंट करती हूँ, ये देखिए। तो इसमें आप डालेंगे, इसमें मैं ले लूँगी थोड़ी सी सीमेंट, ये देखिए इसमें थोड़ी सी सीमेंट ले ली है, और पानी इसको बहुत पतला मत कीजिएगा वरना ये बहेगा इसमें से। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए ये ऐसा है, ये देखिए ये देखने में अभी थोड़ा थोड़ा सा गंदा सा दिखेगा, पर जब ये पेंट हो जाता है उसके बाद ये वाइट हो जाता है, पूरा वाइट हो जाता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो सिर्फ इसी से पेंट करके इसको छोड़ सकते हैं, और या फिर आप इसके ऊपर कोई भी पेंट कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इसे कैसे पेंट करती हूँ, ये देखिए गमले को आप सिंपली इस तरीके से पेंट कर लीजिए, ये देखिए। और हाँ, नीचे गिरेगा इसलिए आप नीचे पेपर या प्लास्टिक बिछा कर रखिए, ताकि आपकी फर्श जहाँ या फिर वो एरिया जहाँ पर आप पेंटिंग का काम कर रहे हैं वो गंदा ना हो। ये देखिए, ये देखिए मैंने एक कोट इसमें सीमेंट का लगा दिया है, और सीमेंट के से अगर आप एक कोट कर देते हैं वाइट सीमेंट से, तो प्रॉफिट ये होता है कि इस पर कलर अच्छे से चढ़ जाता है, और दूसरा ये होता है कि इसके अंदर जो भी गड्ढे होते हैं या फिर वो फिल हो जाते हैं, तो आपका पेंट भी कम लगता है। इसलिए मैं सारे गमलों को अपने पहले वाइट सीमेंट से पेंट करती हूँ, उसके बाद ही मैं इसके ऊपर पेंट करती हूँ। आप चाहो तो इनको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ये ऐसे ही वाइट कलर में अगर आपको पसंद है तो ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने ये गमला तो अभी पेंट किया है, और बाकी गमले मैंने कल ही पेंट करके रख दिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारे गमले मैंने सीमेंट, ये देखिए ये सीमेंट का पॉट है, इसे मैंने कल ही पेंट करके रख दिया था, ये अब सूख गया है, अब मैं इसके ऊपर पेंट कर सकती हूँ। ये देखिए मेरे बाकी गमले सीमेंट से पेंट होके रख गए हैं, अभी मैं बताती हूँ आपको कि आप इनमें कैसे पेंट करेंगे। तो इनको पेंट करने के मैं यूज़ करती हूँ ये इनेमल कलर है, ऑयल पेंट है, ये बर्जर का है, और ये देखिए ये मैंने लिया है येलो कलर का, इस कलर का पेंट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये कलर करने से बहुत अच्छा दिखेगा गार्डन, और जब येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत प्यारा लगेगा, इसलिए मैंने इस बार ये यूज़ किया है ये येलो कलर। इसके पहले जो मैंने पेंट किया था वो ऑलमोस्ट क्ले कलर का ही था, तो मिट्टी के कलर का ही जैसे गमले होते हैं वही कलर हमने पेंट किया था, तो कुछ अलग सा नहीं लग रहा था। इस बार मुझे कुछ अलग सा करना था इसलिए मैंने ये येलो कलर यूज़ किया। और आप पूछिएगा एक ब्रश और कोई भी खाली बर्तन, आप कोशिश करिए प्लास्टिक का बर्तन यूज़ कीजिए या फिर ऐसे बॉटल कट करके यूज़ कर लीजिए। इनसे क्या होता है कि पेंट जो है उन्हें आपका या तो बॉटल अगर आपने यूज़ किया पेंट साफ़ होता है नहीं होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे फेंक भी सकते हो। और प्लास्टिक के बर्तन पे पेंट आसानी से निकल जाता है क्योंकि ये सूखने के बाद अच्छे से निकलता है, तो अगर आप के पास ऐसा बॉटल नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का बर्तन आप यूज़ कर सकते हो, बॉल वगैरह,
तो चलिए अब पेंट करते हैं गमलों को इस येलो कलर के पेंट से। पेंट को हमेशा कलर कर निकालने से पहले आपको डब्बे में हिला लेना चाहिए, मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि ना क्या होता है पेंट रखा रहने से पेंट का जो ऑयल होता है वो ऊपर हो जाता है और पेंट का कलर नीचे चला जाता है। तो इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप, मैं वैसे स्पून का यूज़ करती हूँ, आप जिस भी चीज़ से चाहे निकाल सकते हैं। और हाँ, आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई पॉट पेंट कर रहे हैं तो अगर आपने उसे सीमेंट से पेंट किया है तो कम से कम 6 घंटे के लिए, इट मीन्स कि अगर आपने शाम को पेंट कर दिया तो आप उसे सुबह तक छोड़ दीजिए ताकि वो अच्छे से सूख जाए। अगर वो सूखेगा नहीं तो वो पेंट के साथ मिक्स हो जाएगा और वो बेकार हो जाएगा और आपको ज़रूरत होगी थिनर की। इस समय पेंट मुझे इसलिए मिल गया है क्योंकि लॉकडाउन की में थोड़ी सी छूट मिली है, जिससे शाम को कुछ दुकानें खुली रहती हैं और ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने 2 चम्मच पेंट लिया है तो मैं 1 चम्मच के करीब इसमें ये थिनर मिक्स कर दूँगी ताकि पेंट थोड़ा सा पतला हो जाए। चलिए हम अपने गमले को पेंट कर लेते हैं। पेंट करने के लिए सिंपली आप ऐसे ब्रश को डिप करके इस तरीके से बस पॉट को पेंट कर लीजिए। इसमें वाइट पेंट हमने पहले कर रखा था इसलिए ये येलो कलर बहुत अच्छे से चढ़ रहा है और सिर्फ एक कोट करने का ही नीड लगेगा। ऐसे हमें पॉट पे 2 कोट पेंट करना पड़ता है तब वो अच्छे से चढ़ता है। तो चलिए अब इसे हम पूरा पेंट कर लेते हैं और पेंट करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, इस गमले को मैंने पूरा पेंट कर दिया है और इस पोर्शन को मैंने वाइट ही रहने दिया है क्योंकि ये येलो और वाइट के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से इसको पेंट कर लिया है और इसे भी आप 6 घंटे के लिए और 24 आवर के लिए छोड़ दीजिए और इसे पानी मत गिराइएगा। पानी गिरने से इसका पेंट थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, इसलिए आप 24 आवर के बाद ही इसको पानी दीजिएगा, मतलब कि प्लांट को पानी दीजिएगा तो आप मिट्टी में दीजिएगा और इसके पेंट पर पानी मत गिराइएगा। तो देखिए ना कितनी आसानी से मैंने अपने सारे गमले पेंट कर लिए हैं और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये गमले भी मैंने पेंट करके रखे हैं, कुछ वाइट, कुछ पूरे येलो कर दिए और कुछ वाइट, और बाकी वाइट गमले हैं जिनको मुझे पेंट करना है। तो लॉकडाउन में बहुत सारा समय मिल जाता है गार्डनिंग के लिए, तो मैं ये सारे काम, अगर हाँ एक और बात, अगर आप प्लास्टिक के गमलों पे पेंट कर रहे हैं तो उन्हें सीमेंट से कोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उन पे डायरेक्ट पेंट यूज़ कर सकते हैं। आप भले ही आप चाहें कि वाइट पेंट कर लें पर उन पे आप सीमेंट ट्राई मत कीजिएगा, उससे सीमेंट रुकेगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।